मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार में JDU नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी रहना चाहते हैं और अलग होते भी नजर आते हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा दबाव है, वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे जिस तरह नीतीश कुमार के सांसदों ने नागरिकता संशोधन बिल के हक में अपना वोट किया था, लेकिन वोट तो हो चुका था, बाद में कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वह बड़ा ही अहम था। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर नागरिकता संशोधन कानून हो या NRC हो या NPR हो, इस तरह की किसी भी कानून को या किसी भी योजना को यहाँ मंजूरी नहीं मिलेगी और यहाँ यह लागू भी नहीं होगी। यह अहम बयान था, बड़ा बयान था। प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते जा रहे थे। सुशील मोदी और उनका एक वाक युद्ध भी स्टार्ट हो गया। वह इतना आगे तक पहुँचने लगा कि सुशील मोदी ने कहा कि प्रशांत किशोर एक जो नारे गढ़ने वाला कैंपेन होता है, एक कंपनी होती है, उसकी तरह हैं और ये वही हैं, अपने रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं और उससे अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, वह इस तरह की बातों को नहीं समझते हैं और बीच में टांग भी डाल रहे हैं। सुशील मोदी ने बड़ा ही अहम बयान दिया था, यह विवादित भी होता रहा। प्रशांत किशोर लगातार निशाने पर ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उन पर किसी भी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो वह उसका बड़ी ही कोमल तरह से जवाब देते हैं, किसी भी प्रकार की झल्लाहट नहीं होती उन्हें। आपने देखा दिल्ली में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यह कहा कि वह प्रशांत किशोर को नहीं जानते, जबकि 2014 में प्रशांत किशोर ने लगातार कैंपेन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन उनको नकार भी दिया गया। तो इसका भी जवाब बड़े ही आरामदायक तरीके से दिया था प्रशांत किशोर ने। इस दौरान सुशील मोदी को भी निशाने पर लिया है जिस तरह प्रशांत किशोर ने, वह भी जवाब सुनने लायक है। उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के पद में है, डिप्टी CM के पद में है बिहार में, वह नीतीश कुमार और JDU की मेहरबानी से ही है, उनकी मेहरबानी से ही जो जनता का उनको सपोर्ट मिल रहा है, सहायता मिल रही है जनता की, तो वह मेहरबानी JDU की ही है। प्रशांत किशोर के इस बड़े बयान के बाद अब सुशील मोदी में एक लचक आ गई है, वह झुक गए हैं। उन्होंने नया साल जिस तरह से आरंभ हो रहा है, नए साल के आरंभ होते ही उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर हम अपनी ये आपस में जो मतभेद हो चुका है इनको भुला दें और नए तौर से एक शुरुआत करें, एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। यह सुशील मोदी ने कहा है। हमें लगता था कि प्रशांत किशोर के बयान के बाद सुशील मोदी फिर पलटवार करेंगे, कोई ना कोई बड़ा जवाब देंगे, लेकिन सुशील मोदी यहाँ पर शांत नजर आए। उन्होंने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है प्रशांत किशोर के सामने। क्या अब आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है? वह नहीं चाहती कि उन्हें यहाँ भी हार का सामना करना पड़े, इसलिए उन्होंने जवाब देने के बजाय, पलटवार करने के बजाय प्रशांत किशोर पर उनके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? क्या झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या वह बिहार में इस तरह की शिकस्त का सामना नहीं करना चाहती है, इसलिए वह अब प्रशांत किशोर के जवाबों का, जिस तरह वो तल्ख अंदाज में उनको जवाब दे रहे हैं, उसका पलटवार नहीं कर रही है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक भी बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार। Oh!